ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले स्वाद बिहार का। ये कहानी आरा के लालू यादव की है। ये लालू यादव किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं, बल्कि वो वारदात करने वाला एक ऐसा शख्स है जिसने अपने परिवार को मौत के घाट पर उतार दिया। इस घटना के बाद आरा में सनसनी मच गई। एक पति इस हद तक कत्ल के एक तरीके से कहें तो इंतहा करता है कि पहले अपनी पत्नी की हत्या करता है, फिर अपने बेटे और बेटी को भी मौत के घाट उतार देता है। नाम लालू यादव, पता आरा। आरा की ये कहानी इतनी दर्दनाक है कि हम इसकी वास्तविक तस्वीरें भी आपको दिखा नहीं सकते। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इतना ही नहीं, हम आपको हत्या का तरीका भी नहीं बता सकते, लेकिन इसे आप ऐसे समझिए कि एक पति अपने घर आता है और पत्नी से कहा सुनी होती है, और कहा सुनी होने के बाद पहले वो पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद जब उसके बच्चे वहाँ जो मौजूद रहते हैं उनको भी वो मौत के घाट उतार देता है। एक साथ तीन कत्ल करता है और फिर मौकाए वारदात से फरार हो जाता है। गांव वाले पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस की टीम पहुंचती है, एफएसएल की टीम साक्ष्य जुटाने लगती है। पूरे गांव में सनसनी मच जाती है। शहर में इस खबर की चर्चा होने लगती है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर क्या हुआ कि इस शख्स ने अपने परिवार को मौत के घाट उतार दिया। दिन के लगभग 3 बजे अजीमा थाना अंतर्गत जो है मिल्की गांव में एक महिला एवं 2 बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। प्रारंभिक अनुसंधान में यह बात सामने आया है कि उसी मिल्की गांव के ही एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है लल्लू यादव, जो है इनका अपनी पत्नी के साथ विवाद हुआ था लगभग सुबह के 9 बजे के आसपास में। उसी विवाद में इन्होंने गुस्से में आकर के धारदार हथियार से इन्होंने अपनी पत्नी जिनका नाम सीमा कुमारी है और एक बेटी है जिनका नाम सौम्या है जो 8 वर्ष की एज की है और एक बच्चा है जो लड़का है जिनका नाम वेदांत कुमार है, ये 10 महीने का ही है, तो इनके द्वारा जो है धारदार हथियार से तीनों की हत्या कर दी जाती है। पुलिस पति को गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन पूरे तौर पर वजह का खुलासा नहीं कर पाते। हालांकि गांव वालों की माने तो ये शख्स की मानसिक हालात ठीक नहीं, जिसकी वजह से आए दिन घर में कलेश होता रहता था। और जब वो उस दिन घर पहुंचा और उसके बाद पत्नी से कहा सुनी होती है और किस कहा सुनी होने के बाद ही वो पहले पत्नी को मौत के घाट उतार देता है, फिर दोनों बच्चों को भी मौत के घाट उतार देता है। पर जो है एफएसएल टीम घटना स्थल पर आकर के जो है एफएसएल टीम के द्वारा जो है साक्ष्य का कलेक्शन किया गया है और इस संबंध में अजीमाबाद थाना कांड संख्या 78/24 जो है दर्ज किया गया है और ये जो अभियुक्त है लल्लू इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे का जो कार्रवाई है हम लोग के द्वारा की जा रही है। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम तो करवा लिया है, लेकिन आप सोचिए जरा कि कैसे एक पति इस हद तक पहुंच जाता है कि जिसके साथ वो 7 फेरे लेता है उस पर वार करके वो उसे मौत के घाट उतार देता है। इतना ही नहीं, जिन बच्चों के साथ वो हंसी ठिठोली कर अपनी जीवन को जी रहा होता है उन्हें भी मौत के घाट उतार देता है, उनका भी कत्ल कर। कत्ल की ये खौफनाक कहानी आरा के लालू यादव की है। इसे रिपोर्ट किया है हमारे संवाददाता सोनू सिंह। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।